हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ब्याज निकालना बताएंगे कि ब्याज कितने रुपए पे, कितने परसेंट से कितना ब्याज होगा, कितने महीने का। इस तरीके से हम आपको ब्याज निकालना सिखाएंगे सरल और अच्छे तरीके से। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, आप देखिए। फर्स्ट सवाल ये है कि 6,000 रुपये, 6,000 रुपये का 4% ब्याज की दर से एक माह का एक माह का कितना होगा। ये देखिए, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितना है, ये 6,000 रुपया, ठीक है, 6,000। और ये का मतलब समझ लीजिए आप गुणा है, का मतलब गुणा समझ लीजिए, और चार का मतलब ये यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है ना। ये आपको हो गया। और ये प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत का मतलब आप समझ लीजिए 100। ओके, अच्छा। अब ये हम जो दो जीरो हैं, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, हम एक का कोई महत्व नहीं रह जाता, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे। अब हमारे पास कितना बचा, 60। कितना बचा, 60। ये बचा हमारे पास 60 गुणा 4, ठीक है ना। यही तो बचा हमारे पास, 60 ये बचा, 4 ये बचा। तो 60 का 4 में गुणा कर देंगे, 4 0 देखो आप, 4 0 0 और 4 6 24, यानी कि हमें 240 रुपया ब्याज का देना पड़ेगा। कुल मिला के हमको कितना देना पड़ेगा, 6,240 रुपये कुल हमको एक महीने बाद इनको देने पड़ेंगे। ये आपका सवाल कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा करते हैं। देखिए इसी तरीके से हम दूसरा भी करते हैं। देखिए अब 50,000 का यहाँ पे हम लिखते हैं, 50,000 का 5% की दर से 6 माह का, 6 महीने का कुल कितना देना होगा, है ना। ये देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये 50,000 रुपये हैं, ये 50,000 रुपये हमें यहाँ पर उतार लेने हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम पहले मैंने कहा था का मतलब क्या है, गुणा, ठीक है। अब प्रतिशत का मतलब 5%। ओके, अच्छा, ये और ये 5 के लिखा हुआ लिख दिया यहाँ पर, और ब्याज कितनी है, 5%। अच्छा, अब प्रतिशत का मतलब कितना है, 100। ओके, ये आ गया आपका है। तो अब यहाँ पर हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ये दो से दो जीरो कट गए, ठीक है ना, ये दो जीरो कट गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 5 0 0, ठीक है ना, और 5 0 0, तो ये कितना हो गया, 0 5 0 0 5 0 0। अच्छा, 5 25, यानी कि ये 1 महीने का हो गया, 1 महीने का हो गया, ये कितना, 2500 रुपया। अच्छा, अब हमको कितना 6 महीने का निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2500 गुणा 6, ये तो यानी कि 50,000 का 5% की दर से
6 महीने का कुल कितना देना होगा? तो हमें 50,000 का, हमने 1 महीने का आपका निकाला कितना, 2500, यानी 2500 रुपया, यानी 2500 रुपये हमने 1 महीने का निकाला है। अब हमें 6 महीने का देना है, तो 6 महीने का कितना हो गया, देखिए 6000 0 6000 0 56 30 की सिफर हासिल, ओ 56 30 की सिफर हासिल कितना, 3 6 2 12 और 3 15, कितना हो गया ये 15,000 रुपया। तो हमको 6 महीने का ब्याज 15,000 रुपया देना पड़ा। अच्छा, और लिया कितना, 50,000, तो हमको कुल कितना देना पड़ेगा, 15,000 प्लस 50,000 बराबर 65,000 रुपया हमें देना होगा। ओके, ये आपका सवाल हो गया। अच्छा, अब हम तीसरा करते हैं, देखिए आगे हम चलते हैं। देखिए आपको हमने हमने एक साहूकार से 2 लाख रुपया 2 लाख रुपए, ठीक है, ओके, 3% की दर से 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए ब्याज पर लिए, तो हमें कुल, हमको कितना ब्याज देना होगा, ये आपको देखना है। अच्छा, तो हमने कितना लिया इनसे, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपया, ठीक है। तो एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 वर्ष के लिए लिया, तो 1 वर्ष बराबर 12 महीने, 1 वर्ष बराबर 12 महीने, यानी कि 1 वर्ष के लिए लिए तो हमें वर्ष के महीने बनाने पड़ेंगे, तो 12 महीने के लिए, ठीक है ना। ये तो सबसे पहला तो ये है पॉइंट। अब हम क्या करना है कि यहाँ पर हमें 2 लाख रुपया, ठीक है। अब काका मतलब गुणा कितना, 3%, ओके। अच्छा, अब प्रतिशत का मतलब ये हो गया, 2 से 2 जीरो कट गए, ठीक है ना, 2 से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पर बराबर कितना हो गया, 6,000 रुपया, कितना, 6,000 रुपया, ठीक है, ये 6,000 रुपया हो गया, कितने का, 1 महीने का। तो 1 महीने, 1 महीना का ब्याज बराबर 6,000 रुपये, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है 12 महीने का, तो देखिए 6,000 × 12, ये अब 12 महीने का पूछा जा रहा है ना, तो 12 0 0 12 0 0 12 0 0, ठीक है ना, ये हो गया। अब 12 का गुणा हम 6 में करेंगे, चाहे 6 का गुणा 12 में कर दो, मेरी बात को आप समझिए, 12 का गुणा 6 में कर दो, चाहे 6 का गुणा 12 में कर दो, बात एक ही है। तो 12 × 6 = 72, यानी कि ये 72,000 रुपये आपका ब्याज हो गया, कितने का, 1 वर्ष का 3% की दर से 72,000 रुपये आपका ब्याज का हो गया। तो हमें कुल कितना देना पड़ेगा, कुल कितना देना पड़ेगा, 2,72,000, ठीक है ना, कुल कितना देना पड़ेगा, 2,72,000 रुपये 6 महीने में। तो भाइयों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।